मी नगर सेवक आमदार खासदार कोणीही नाही, दीड वर्षापासून राजकारणापासून अलिप्त असून मी चौकशीसाठी तयार असल्याची ग्वाही मोहित कंबोज यांनी दिली. मुंबईतील भाजपाच्या नेत्याने फोन केल्यानं ऋषभ याला एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी सोडून दिल्याचा आरोप मलिक यांनी आज सकाळी पत्रकार परिषदेत केला होता. याच पार्श्वभूमीवर मोहित कंबोज यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, मी नगरसेवक आमदार खासदार कोणीही नाही, मी चौकशीसाठी तयार आहे. माझ्यावर आरोप लावलेत की एनसीबीच्या कारवाईत काही लोकांना वाचवण्यात माझा सहभाग आहे, पण माझ्याकडे पक्षाचं कोणतंही पद नाही. मी दीड वर्षांपासून राजकारणापासून अलिप्त आहे. ऋषभ सचदेवा माझा मेहुणा आहे, त्याचा या प्रकरणाशी काय संबंध? त्याचे पुरावे नवाब मलिकांनी द्यावेत. आर्यन खानसोबत त्याची कधीही भेटही झाली नाही. आम्ही एनसीबीच्या चौकशीसाठी तयार असल्याचं मोहित कुंभज यांनी म्हटलंय. सर, मैं डेढ़ साल से मेरे पास बीजेपी का लास्ट मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था. आप मुझे बता दो उसके बाद मेरे पास क्या पद है. मैं तो ऑफिशियली लिखता हूँ बीजेपी कार्यकर्ता, क्योंकि मैं तन मन से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आरएसएस की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ. लेकिन मैं ऑफिशियल पदाधिकारी अभी नहीं हूँ. अभी मेरा नाम लेना जुड़ना तो भाई नाम तो बड़े आदमी का लिया जाता है. आप आज क्यों आए हो? आज मेरा ड्राइवर होता है या कोई क्यों होता है तो आप नहीं जाते ना. तो नाम जोड़ना तो बड़ी बात है, जोड़ दो. नाम जोड़ने से क्या कोई गुनहगार हो जाता है? और कोई विजुअल दिखाने से, हाँ भाई मेरा साला तो था था, तो आज थोड़ी ना मैं डिस्कोन करूँ कि मेरा साला नहीं था. सर वो है कहाँ पे? आप सामने लाएंगे इंडिया के बात करने के लिए? 100% मैं साले से बात करूंगा. इशू कर पाएंगे, जवाब देंगे आपको. मुंबई में है, बाहर है? नहीं, मुंबई में क्यों बाहर जाएंगे भाई? किस लिए जाएंगे बाहर? कि मेरे फादर इन लॉ का मोबाइल से दिल्ली बात कराई, महाराज बात कराई और वहां पे ऑफिसर लोग से बात कराई. कहाँ भेजना है मोबाइल फोन? कहाँ देना है नंबर? नंबर ले लीजिए, मोबाइल फोन ले लीजिए, उसका फॉरेंसिक करा लीजिए. और क्या चाहिए उनको? अगर उसके बाद भी कुछ नहीं निकला तो क्या? आप चेक करा लो. और दूसरी बात है, महाराष्ट्र पुलिस के पास, अरे भाई जब नवाब मलिक जी पूरा अपना सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरे पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो किसी का कॉल रिकॉर्ड निकालने में टाइम लगता है क्या? एक मिनट का काम है. कॉल रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लो आप पूरी बातें. अधिकारी का चेक करो, सबका चेक करो. अगर कुछ मिले तो बताओ, सिर्फ आके हवा में बात मत करो. आप प्रूफ के साथ बात करो. बीजेपी का नाम कि महाराष्ट्र के मुंबई के सबसे बड़े कचरा सेठ को मैं ये चुनौती दे रहा हूँ कि कचरा सेठ अपना सब कचरा और भंगार बेच दो, तुम्हारे पे 100 करोड़ का मैं दावा ठोक रहा हूँ. क्योंकि 100 करोड़ से तुम लोग की वसूली है, 100 करोड़ से तुम लोग को बहुत प्यार है, 100 करोड़ का महीने का भ्रष्टाचार है, तो 100 करोड़ नहीं ठोकूंगा. और मेरी बैलेंस शीट पे 100 करोड़ की वसूली बनती है, क्योंकि मैं तुमने बोला हाई प्रोफाइल आदमी, हाई प्रोफाइल नेता, हाई प्रोफाइल सब कुछ, तो मेरा बैलेंस शीट में 100 करोड़ का मेरा, तुमने मेरा आज इमेज खराब करने की बात की है. तो ब्यूरो रिपोर्ट, SBN मराठी.